भाइयों और बहनों, ओडिशा के लोग बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं। वो कभी अन्याय के सामने झुकते नहीं हैं। जब भी मैं उड़ीसा के बारे में सोचता हूं, मुझे जय राजगुरु, बक्सी जगबंधु, वीर सुरेंद्र साई ऐसे महापुरुषों का स्मरण होता है। मैं चंद्रशेखर बेहरा और उत्कल मणि गोपाल बंधु दास ऐसे महान व्यक्तियों को याद करता हूं। मैं शहीद बाजी राउत और उनके साथियों को याद करता हूं। मैं डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब और बीजी बाबू को याद करता हूं। मैं उस भूमि के सपूत महाराजा राजेंद्र नारायण सिंह देव जी को भी स्मरण करता हूं। इन सभी ने कभी उड़ीसा के सिद्धांतों और इसकी अस्मिता से समझौता नहीं किया। आज ये लोग उड़ीसा की स्थिति देख करके क्या सोचते होंगे, उनके आत्मा पर कितनी बीतती होगी, कितने दुखी होती होगी उनकी आत्मा। आज उड़िया संस्कृति संकटों में घिरी हुई है। उड़िया अस्मिता कैसे बचेगी? हम उड़िया अस्मिता को किसी के यहां गिरवी नहीं रख सकते हैं दोस्तों। और इसलिए बीजेपी ने ठान लिया है कि वो उड़ीसा को इन संकटों से निकाल करके ही रहेगी। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।